इसको आपको क्या इसे सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑकरिंग ड्यू टू द जीरो एलिमेंट इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द राउट अरे अनादर मेथड इज यूज, मीन्स अगर कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट जीरो आए तो हम ये भी मेथड यूज़ कर सकते हैं. ओके, इन दिस मेथड, ये मेथड में क्या होगा, एस इज रिप्लेस बाय वन बाय जेड. एस को हम किससे रिप्लेस करेंगे, वन बाय जेड से. इन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिस इंफॉर्मेशन मैप्स द एस प्लेन इन टू जेड प्लेन. ओके, सो एज वी हैव अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑलरेडी, आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोगों ने गिवन ले लिया है. सो इसको आपको क्या करना है, अभी इसका जो है आपको ये जो इक्वेशन है इसमें आपको क्या एस को रिप्लेस करना है वन बाय जेड से. ओके, सो एस को हमने वन बाय जेड से रिप्लेस कर दिया तो ये टर्म आ रही है, बिकॉज एस रेस टू फाइव को हम लिख लेंगे वन बाय जेड रेस टू फाइव, अगेन एस रेस टू फोर को लिख लेंगे वन बाय जेड रेस टू फाइव. इन दिस वे आपको ये बाकी जो है टर्म लिखनी है. ओके, सो जहाँ पे भी एस है वो रिप्लेस करेंगे वन बाय जेड से. ओके, बाद में क्या करेंगे, जो एस रेस टू फाइव है उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ये टर्म को, क्या करेंगे एस सॉरी जेड रेस टू फाइव से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. अगर जेड रेस टू फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये टर्म आएगी, बिकॉज ऊपर वाले सभी टर्म को हम जेड रेस टू फाइव से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो आपका ये जो है इक्वेशन आ जाएगा और उसको हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर में आपको अरेंज करना पड़ेगा. ओके, सो ये अगर आ गया, मीन्स यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जेड रेस टू फाइव को इससे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी जेड रेस टू फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी, हर टर्म को जेड रेस टू फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट टर्म आपकी आ रही है फाइव एस रेस टू, सॉरी फाइव जेड रेस टू फाइव आएगी. सेकंड टर्म क्या आएगी, देखो यहाँ पे जेड रेस टू फाइव है तो इस पे से एक जेड कट हो जाएगा तो क्या आएगा, थ्री जेड रेस टू फोर आएगा. इस तरह आपको आगे की ये टर्म्स सॉल्व करनी है. ओके, उसके बाद में आपको क्या, ये जो इक्वेशन आया है उसको आपको राउट्स क्राइटेरिया लगाना है, राउट्स अरे लगाना है. सो आपको मैंने पहले भी बताया है कि हाईएस्ट ऑर्डर जो है उसको आपको लिखना है, यहाँ पे कितना है, जेड रेस टू फाइव, जेड रेस टू फाइव है. उसके बाद में आपको बताया मैंने ये फर्स्ट जो रो है उसमें आपको कौन से कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, ए ज़ीरो लिखना है फर्स्ट, देन ए टू लिखना है और देन ए फोर लिखना है. ठीक है, सो यहाँ पे ए ज़ीरो कितना है अपना, ये आपका ए ज़ीरो है, बाद में ए वन है ना, ए टू है, ए थ्री है, ए फोर है और ये ए फाइव है ना. सो यहाँ पे ए ज़ीरो है आपका, देखो फाइव है, बाद में ए टू कितना है, यहाँ पे टू है ना, उसके बाद में ए फोर कितना है आपका, यहाँ पे वन है. ओके, इस तरह आपको फर्स्ट रो लिखनी है. सेकंड रो में क्या लिखना है आपको, ऑलरेडी राउस क्राइटेरिया में देखा था कौन से कौन से कोएफिशिएंट है, ए वन है, देन ए थ्री है और देन ए फाइव है. इस पर से फिर आपको ये कोएफिशिएंट्स भी लिखने हैं. ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है, सेम दैट इज़ क्या, बी वन और B2 की वैल्यू निकालना है. आपको पता है B1 B2 का फॉर्मूला भी पता है. B1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, B1 के लिए आपको ये दो टर्म्स कंसीडर करने पड़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय B1, सॉरी A1. ओके ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है, B2 भी निकालना है. B2 के लिए आपको पता है हम लोग कौन से वैल्यूज कंसीडर करते हैं, ये दो और ये दो, उसके ऊपर से हम लोग B2 निकाल देंगे फॉर्मूले के ऊपर से. ओके, इस तरह आपको B1 और B2 निकालना है. उसके बाद में आपको B1 B2 निकालने के बाद जो है C1 C2 भी निकालना है. तो C1 के लिए हम लोग ये दोनों कंसीडर करेंगे. ओके, और जो C2 है, C2 के लिए हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ये टर्म्स कंसीडर करेंगे और यहाँ पे जो है हम लोग ज़ीरो कंसीडर करेंगे. सो ये भी आपकी वैल्यू निकल जाएगी. ओके, उसके बाद में जो है
डी वन निकल गया, सॉरी सी वन सी टू निकल गया है, उसके बाद में हम लोग डी वन निकालेंगे। डी वन के लिए आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, ये दो टर्म्स कंसिडर करने पड़ेंगे डी वन के लिए, ओके। और ई वन के लिए आपको जो है ई वन वैल्यू निकालने के लिए, ये वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को ये और यहाँ पे ज़ीरो कंसिडर करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। सो इस तरह आपको जो है ये वैल्यूज़ निकल जाएगी। अभी इस पर से आपको पता चल जाएगा कि ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। सो यहाँ पे देखो क्या है, फर्स्ट कॉलम में साइन चेंजेस है। सो एज देयर आर टू साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द राउ सरे फॉर जेड प्लेन विच इंडिकेट्स दैट देयर आर टू रूट लोकेट्स इन अ राइट हाफ ऑफ द जेड प्लेन, हेंस द सिस्टम इज अनस्टेबल, ओके। सो दो साइन चेंज है, देखो यहाँ पे क्या है, निगेटिव है बाद में पॉजिटिव है ना। सो फर्स्ट जो आपका कॉलम है ना, उसमें क्या हो रहा है, दो साइन चेंजेस है, इसलिए फिर ये कौन से सिस्टम है, दैट इज़ द अनस्टेबल सिस्टम, ओके। इसके बाद में हम लोग एक लास्ट केस नंबर सेकेंड, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ रो आर ज़ीरो देन ड्यू टू दिस द एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट रो कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड राउथ टेस्ट फेल्स। मीन्स क्या है, अगर जो भी एलिमेंट्स है हमारे रो में के वो अगर ज़ीरो आएंगे, ओके, मीन्स यहाँ पे देखो जो रो है क्या है, यहाँ पे ज़ीरोज है। सो अगर ज़ीरो आएंगे तो ये जो राउट टेस्ट है वो फेल होगी। तो ये ऐसे तरह के प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है, सो इस ये केस में आपको देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लाइक दिस, ओके। फ्रॉम दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वी कैन राइट द फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, ओके। इस पर से आप लोग, आपको क्या फर्स्ट रो और सेकंड रो लिखनी है राउथ अरे की, जो हम लोगों ने प्रीवियस इसमें देखा था। देखो राउथ अरे का जो क्या है रूल है या फिर अरे हैं, हम लोग कैसे लिखते हैं फॉर्मेट में, जैसे कि ये वाली टर्म है आपकी ये ए ज़ीरो है, ओके, ये जो है आपकी ए टू है, ये क्या है ए थ्री सॉरी ए फोर है, ठीक है। फिर ये वाली टर्म क्या है ए वन है, बाद में जो है आपका ए थ्री है, बाद में है आपका ए फाइव, ठीक है। सो ऐसे कोएफिशिएंट्स आपको जो है लिखने हैं। सो इस तरह ये आपकी रो आ जाएगी कोएफिशिएंट्स लिखने के बाद। और आपको ये भी बताया मैंने कि हाईएस्ट पावर से आपको स्टार्ट करना है, सो एस रेस टू फाइव, ओके। आफ्टर दैट आपको जो है बी वन और बी टू निकालना होता है। सो बी वन के लिए हम लोग ये दो रो कंसिडर कॉलम कंसिडर करते हैं, ये दो वैल्यूज़। और जो बी टू के लिए है वो कौन से दो वैल्यूज़, ये दो वैल्यूज़ और ये दो वैल्यूज़ हम लोग कंसिडर करते हैं। तो आपको बी वन बी टू का फॉर्मूला पता है, उसमें वैल्यू पुट करने के बाद जो है बी वन बी टू की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज़ ज़ीरो ज़ीरो। सो ज़ीरो ज़ीरो अगर आएगी कौन से प्रॉब्लम में, तो आपको इस तरह से आगे सॉल्व करना है। सो सी हियर द रो एस रेस टू थ्री हैज़ ऑल ज़ीरो एलिमेंट राउट अरे टेस्ट ब्रेक डाउन, ठीक है। सो जो है ज़ीरो आने की वजह से ये जो क्या है राउट अरे टेस्ट है वो क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। सो इसको आपको सॉल्व देखो कैसे करना है, देखो टू ओवरकम अ प्रॉब्लम एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन विद पॉलिनोमियल्स इज फॉर्म फ्रॉम द कोएफिशिएंट्स ऑफ द एस रेस टू फोर रो विच इज़ गिवन बाय, जो भी एस रेस टू फोर की रोज है वो आपको कैसे लिखनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन विद पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखनी है। सो यहाँ पे मैंने देखो लिख लिया है ए ऑफ एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, फिर देखो ये अभी क्या है, फर्स्ट है एस रेस टू फोर, ओके, सेकेंड आएगी थ्री एस रेस टू स्क्वेयर और थर्ड क्या आएंगी थ्री, ओके। सो ये आपको ऐसे लिखना है
देखो क्या आ गया यहाँ पे, एस रेस टू 4 प्लस 3 एस स्क्वायर प्लस 3। ओके, जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो फर्स्ट को आएगा, हाईएस्ट ऑर्डर जो है एस रेस टू 4 का वो फर्स्ट टर्म को आएगा, सो एस रेस टू 4 सेकंड टर्म को क्या आएगा उसके आगे का, दैट इज 3 एस स्क्वायर, और नेक्स्ट टर्म को आएगा नॉर्मली सिर्फ वैल्यू आएगी। ओके, सो इस तरह आपको ये इक्वेशन लिखना है। उसके बाद में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एस। अगर इसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या होगा, दैट इज dA(dAs) अपॉन dS इज इक्वल्स टू, अभी इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो डिफरेंशिएट का आपको पता है s रेस टू 4 का क्या आता है, दैट इज 4s क्यूब। सो डिफरेंशिएट को का आपको फॉर्मूला पता होगा, देन आफ्टर दैट इसका क्या आएगा सेकंड टर्म का 3s स्क्वायर का क्या आता है डिफरेंशिएशन, दैट इज 2s डिफरेंशिएशन आएगा, और ये जो 3 है आपका वो वैसे ही रहेगा, तो कितना आ रहा है, दैट इज 6s। ओके, और नेक्स्ट जो लास्ट टर्म है आपकी दैट इज 3, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, दैट इज 0। सो लास्ट इक्वेशन क्या बनेगा आपका डिफरेंशिएट करके, 4s क्यूब प्लस 3s। ओके, सो जीरोज इन s क्यूब रोज आर नाउ रिप्लेस्ड बाय दिस कोएफिशिएंट। हम क्या करेंगे अभी, जहाँ पे ये ज़ीरो आए थे है ना, यहाँ पे अपने दो ज़ीरो आए थे, इस जगह पे इसके जो कोएफिशिएंट्स है इसके जगह पे इसके कोएफिशिएंट्स हम लोग प्लेस कर देंगे, मीन्स कितना आएगा 4 और 6। तो वही लिखा है देखो, 4 और 6 यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है 0 0 को, फिर आगे आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो आगे आपको क्या करना है, अगर ये वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं आप लोग, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय दिस, है ना। अगर ये वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं हम लोग, अगर ये वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे 0 कंसिडर करेंगे और ये दो टर्म्स कंसिडर करेंगे, सो इनका क्रॉस करेंगे माइनस, ओके, डिवाइडेड बाय दिस, तो ये वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट आपको अगर ये वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों वैल्यूज कंसिडर करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। ओके, उसके बाद में क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू निकालनी है तो ये कंसिडर करेंगे हम लोग और यहाँ पे क्या आएगा, 0 ही आएगा, सो इसलिए यहाँ पे क्या आया है, 0 आया है। उसके बाद में लास्ट में कैसे निकालना है, ये दोनों कंसिडर करना है इसके लिए। ओके, सो इस तरह आपको जो है सॉल्व करना है। बाद में देखो इस पर से आपको पता करना है, देयर आर टू चेंजेस इन साइन, यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, देखो माइनस और प्लस हो रहा है, दो साइन चेंज है, इसलिए ये सिस्टम कौन सी है, दैट इज अनस्टेबल। ओके, सो इस तरह ये जो है सभी केसेस आपको याद करनी है, याद रखना है, इसके बेसिस पे आपको रोज क्राइटेरिया के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ओके, सो थैंक यू।